मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में खड़े हैं पुष्पेंद्र भैया, जो कि बरुआ सागर में तेंदोल रोड पर इनकी पौधशाला है पुष्पेंद्र पौधशाला के नाम से। आइए इनसे जानते हैं कि पौधशाला कब से ही अपना संचालन कर रहे हैं और कौन कौन से पौधे अवेलेबल हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? पुष्पेंद्र कुशवाहा। पुष्पेंद्र जी, कब से आप पौधे का संचालन कर रहे हो? ये करीबन हम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से जी। कौन कौन से पौधों की वेरायटी है हमें बता के चला दिखा सकते हो? जी दिखा सकते हैं। का पौधा है देसी वाला है, इसमें 7 से 8 साल में फल आता है और अच्छा फल आता है। देसी पौधा है, बढ़िया बड़ा फल आता है सफेद। यहाँ के बुंदेलखंड के कहाँ कहाँ के लोग आते हैं लेने इस पौधे को? महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र तक, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह पौधा जाता है, देश के सभी कोनों में मेरे यहाँ से। ये आंवले का पौधा है, जितना आप देख रहे हो सब देसी वाला है, करीबन 7 से 8 साल में इसमें फल आता है और ये भी देश के सभी कोनों में जाता है मेरे यहाँ से। शरीफा का पौधा है, करीबन 5 से 6 साल में ये हो जाता है फल देने लायक और भारत के सभी कोनों में, बुंदेलखंड में इसको ज़्यादातर लगाया जाता है और अच्छा पौधा है। ये सागौन का पौधा है, ये जंगलों में लगता है और किसान अपनी खेत के कोनों में लगाते हैं, अच्छा पौधा है। ये सिरिस का पौधा है, जड़ी बूटी के काम आता है। ये हाईब्रिड पपीते का पौधा है ताइवान, इसका फल करीबन 2 से 2.5 किलो का होता है और ये 3 साल में पूरी लाइफ में 3.5 क्विंटल तक फल निकालता है। कहाँ की प्रजाति है ये? प्रजाति लखनऊ का है और किसान अपने खेतों में लगाना चाहते हैं तो अच्छा इनकम हो सकता है इससे, लगाना चाहें तो। का पौधा है, किसका पौधा है? करौंदा का पौधा है। हाँ। इसके फल का अचार बनता है और किसान जो है अपने खेत के चारों तरफ इसे लगा दे तो वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना घना हो जाता है कि इसके खेत के अंदर कोई जानवर नहीं घुस सकता। जो भैया ने पुष्पेंद्र पौधशाला, जो कि पुष्पेंद्र भैया ने सभी अपनी पौधशाले की व्यवस्थाएं बताई, कौन सा पौधा कौन सी प्रजाति का है और किस तरीके से फल आता है और कितने दिनों में ये फल तैयार होता है, आइए जानते हैं भैया का क्या कहना है अपने माध्यम से। भैया क्या कहना है आपको? आपने अभी इतनी सभी पूरी स्टोरी बताई, क्या कहना है आपका इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि किसी को भी पौधों की कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरा पता पुष्पेंद्र नर्सरी, बरुआ सागर, जिला झांसी, तेंदोल रोड पर पड़ता है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8808504191 है।